साथियों, हमारा प्रयास है कि आज देश के हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। और आपने G20 समिट में हमारे एक संकल्प को देखा होगा, हमने दुनिया के सामने कहा है अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट। एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं, चाहे फाइटर पायलट्स हो या फिर सिविल एविएशन हो। आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा। इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेंपर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की पढ़ाई करती है। और मुझे याद है, मैं कभी मेरी विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां इस स्टेम की तरफ रुचि रखती है क्या, वहां पढ़ती है क्या। और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है, तो उनके लिए सरप्राइज था। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है।